कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा मानवर देखिए। कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है वो दुकान नहीं चलेगी। कांग्रेस के बारे में लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जो लोग यहां चिल्ला रहे हैं उनसे उनकी 58 साल की उम्र में पूछा जाना चाहिए। सत्ता में रहते हुए वो 1 किलोमीटर तक भी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी ATP क्यों नहीं लगा पाए, आज वो सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के साथ अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी ATP क्यों नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी ATP? आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गृहवार में जाके, अपने गृहवार में पहले झांके बताए। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे, आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी जब इतनी बात कर रहे हैं मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा मानवर देखिए। 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब पली बजा के पेट के ऊपर उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष जी रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे।